वंजारा के पत्र के बाद कांग्रेस ने मोदी को घेरने की योजना के तहत गुजरात में बंद बुलाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पूरे गुजरात में बंद का ऐलान किया है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। शंकर सिंह वाघेला, अर्जुन मेदवाड़िया और शक्ति सिंह गोहिल ने भी मोदी के खिलाफ एक बार फिर ऐलान जंग किया है। सीबीआई जेल में बंद निलंबित आईपीएस अफसर डीजी वंजारा से पूछताछ करेगी। फर्जी एनकाउंटर के बारे में सीबीआई वंजारा से और लीड हासिल करना चाहती है। अपने पत्र में वंजारा ने लिखा है कि हमने तो केवल नीतियों का पालन किया है। अगर हम एनकाउंटर के मामले में जेल में हैं तो रणनीति बनाने वाले क्यों बाहर हैं। सीबीआई शाहजहां एनकाउंटर के बारे में डीजी वंजारा से सवाल कर सकती है। शक को लश्कर का आतंकी बता रही युवती को अहमदाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भरोसा दिलाया है कि गुम हुई सभी कोल फाइलों को 10 सितंबर तक ढूंढ निकाला जाएगा। विपक्ष सरकार पर फाइलों को तुरंत ढूंढ निकालने का दबाव बना रहा है। कोयला मंत्री ने कहा कि वो फाइलों को ढूंढ निकालने के लिए अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कोलगेट की गुम फाइलों के मुद्दे पर विपक्ष संसद में शोर शराबा कर रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश को लेकर एक न्यायिक आयोग गठित करने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। बीजेपी और विपक्षी दलों ने सरकार के इस न्यायिक आयोग संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने सरकार को सुझाव दिया है कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति के हवाले कर दिया जाए। रक्षा मंत्री एके एंटनी आज संसद में इस बात पर सफाई देंगे कि क्या चीन ने पूर्वोत्तर की सीमा पर भारत की 640 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा किया है। मीडिया में आए कुछ खबरों के बाद पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण की अध्यक्षता में गठित समिति ने पिछले महीने लद्दाख इलाके का दौरा किया था और पाया कि भारतीय टुकड़ियों को सीमा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, चीनी सेना दौलत बेग इलाके में भारतीय सेना को निगरानी तक करने नहीं दे रही है। विपक्षी दल के नेता यशवंत सिन्हा ने कल ये मुद्दा संसद में उठाया और मांग की कि रक्षा मंत्री को इस मामले पर सफाई दें। अप्रैल में आईटीबीपी ने सरकार को साफ किया था कि लद्दाख के पूर्वोत्तर में राकीनाला के 640 वर्ग किलोमीटर के इलाके में वो निगरानी नहीं कर पा रही है क्योंकि चीनी सेना की घुसपैठ और मौजूदगी काफी बढ़ गई है। दौलत बेग इलाके में भारतीय सीमा के भीतर 18-19 किलोमीटर पर चीनी सैनिकों ने अपना कैंप बना रखा है। छोटी मोटी घुसपैठ सीमा से सटे इलाकों में हमेशा से रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी तरफ की सेना ने अपना कैंप बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और रुपए में गिरावट के चलते सरकार डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सरकार को यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी की स्वदेश वापसी का इंतजार है। तेल आयात की लागत